नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दानाह के अंदरूनी इलाकों में सामान्य बारिश से ही सड़क की हालत खराब होते वाहन स्लिप हुए। कपराड़ा के कुछ गांवों के लोग जो काम पर जाने के लिए सड़क का उपयोग करते हैं, वो वाहन चालक परेशान। पारड़ी के अरनाला गांव में 1.82 लाख रुपए के मूल्य का बिना बिल वाला खाद्यान्न एसओजी टीम ने जब्त किया। पुलिस ने महादेव एंटरप्राइज दुकान से गरीबों का 8 टन अनाज जब्त किया। धर्मपुर के तामचड़ी गांव में बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति का घर जल जाते विधायक मदद के लिए पहुंचे। विधायक अरविंद पटेल ने भोजन, कपड़े, बर्तन, मसाले जैसी चीजें दी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दानाह के अंदरूनी इलाकों में सामान्य बारिश से ही सड़क की हालत खराब होते वाहन स्लिप हुए। दादरा और नगर हवेली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बर्फ के टुकड़ों के साथ बारिश के झोंके आए थे। कुछ क्षेत्रों में पेड़ गिर गए, शादी के मंडप भी उड़ गए थे और खानवेल खुटली रोड जो पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन है, अधूरा होने के कारण और मिट्टी डाले जाने के कारण सामान्य वर्षा में भी सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। इस सड़क का उपयोग कपराड़ा तालुका के कुछ गांवों के लोग भी नौकरी पर आने जाने के लिए करते हैं और दूध के गांव में आने वाले पर्यटकों के वाहन भी अटक गए थे। दूधनी नौपाड़ा से करचौंद 3 रास्ते तक भी सड़क पर कीचड़ के कारण 2 से 3 घंटे तक फंसे रहे और कुछ वाहन तो स्लिप भी हो गए थे। के अरनाला गांव में 1.82 लाख रुपए के मूल्य का बिना बिल वाला खाद्यान्न एसओजी टीम ने जब्त किया। गरीबों के अनाज को छीनने के बार बार घोटाले सामने आते हैं। एक ओर सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, तो दूसरी ओर कुछ लाभार्थी और मुनाफाखोरों के कारण ये अनाज गरीबों के मुँह से छीन लिया जाता है। इसी क्रम में पारड़ी तालुका के अरनाला गाँव में मरी माता मंदिर 4 रास्ता के पास ग्रीन हाइट्स शॉपिंग सेंटर में दुकान नंबर 9 और 10 में स्थित महादेव एंटरप्राइज दुकान के व्यापारी कृणाल भेरूभाई गुज्जर ने नाना पौंडा, कपराड़ा, धर्मपुर सहित के अंतर्गत आने वाले गांवों की सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों में दिए जाने वाले अनाज को एकत्रित कर अपनी दुकान में लाकर बेचने का काम किया। वलसाड़ जिला पुलिस की एसओजी टीम को इसकी जानकारी मिलने पर गुरुवार के दिन अरनाला गाँव में स्थित दुकान पर छापा मारा गया, जहाँ दुकान के संचालक कृणाल भेरूभाई गुज्जर मौजूद नहीं थे। दुकान में पुलिस को 3,140 किलो गेहूं जिसकी कीमत 72,220, चावल 2,300 किलो जिसकी कीमत 57,500, बाजरा 2,700 किलो जिसकी कीमत 48,600, चना 80 किलो जिसकी कीमत 4,000 सहित कुल मिलाकर 1.82 लाख का अनाज मिला। इस अनाज के बारे में पुलिस ने बिल जैसे सबूत मांगे, लेकिन दुकान में मौजूद 3 व्यक्तियों ने कोई सबूत पेश नहीं किया और सही जवाब भी नहीं दे सके, इसलिए इस गरीबों के अनाज को छीन कर व्यापार करने के संदेह पर सारा संदिग्ध अनाज सीज कर दिया गया और इस मामले की जानकारी पारड़ी के मामलतदार किरण सिंह राणा को दी गई। साथ ही पारड़ी पुलिस और पारड़ी पुरवठा विभाग को भी सूचित किया गया। उनकी राय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह अनाज सरकारी अनाज है या नहीं, जिसके बाद ही पूरे घोटाले का मामला स्पष्ट होगा। तब तक पारड़ी पुरवठा विभाग विस्तृत जांच के बाद ही पूरे अनाज के घोटाले का पता चलेगा।
चढ़ी गांव में बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति का घर जल जाते विधायक मदद के लिए पहुंच रहे। धर्मपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित पर्वतीय क्षेत्र के गांव ताम छड़ी में बोचुनिया फलिया में रहने वाले वृद्ध आदिवासी दंपत्ति महादु भाई धर्मा भाई राठौड़ अपनी पत्नी के साथ घर में रहते थे, जहां शाम को 5 बजे के आसपास घर के चूल्हे पर से उड़े हुए चिंगारी के कारण अचानक आग लग गई थी। आसपास में कहीं भी पानी की व्यवस्था न होने के कारण आग को काबू में करने में असफलता मिली और आग इतनी प्रबल हो गई कि घर में रखी सभी चीजें 70 मन चावल, 40 मन नागली, 10 मन तुअर सहित किसान सम्मान निधि और वृद्ध द्वारा बचत किए गए नकद 11,000 रुपए जलकर खाक हो गए थे। पूरा घर जलकर खाक हो जाने से दंपत्ति के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। घटना होने पर आसपास के लोग पहुंचे और साथ ही विधायक अरविंद भाई पटेल, अग्रणी गणेश भाई बिरारी, धर्मू भाई बारिया, रणजीत भाई वेजल, रमेश भाई डबकिया ने स्थल का निरीक्षण कर उस परिवार को अनाज, मसाले, तेल, घरेलू बर्तन, गद्दे, कंबल आदि चीजों की सहायता की और एक उत्कृष्ट कार्य किया। वृद्ध दंपत्ति को सहायता प्रदान की गई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि मानसून से पहले उनका घर बन जाएगा और इसके लिए सभी संभव सहायता की जाएगी। આજે તામસડી બોચુન્યા ફળિયાના મહાદુભાઈ ધર્માભાઈ રાઠોડ કે જેઓ આજે ઉંમરવાન છે, બંને વડીલ આજે એ ઘરમાં રહેતા હતા, 3 કાળા જેટલું ઘર હતું। ગઈકાલે જે વાવાઝોડું સાથે પવન ફૂંકાયો ત્યારે એના ઘરમાં રસોઈ કરવા માટે એમણે જે ચૂલા અંગારાવાળા હતા એ અંગારાના તણખા ઉડવાથી એમનું આખું ઘર એક સાથે બળીને ખાક થઈ ગયું। એમાં પણ એમને કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ જે રૂપિયા મળતા હતા એમાં 11,000 રૂપિયા જેટલી એમને કેશ ઉઠી, એ પણ એમની બળીને ખાક થઈ ગઈ। અને એને ઘરમાં જે કંઈ હતું એ ટોટલી વસ્તુ, અનાજથી માંડીને અંદર એક પણ વસ્તુ બાકી રહી નથી, એવા પહેરેલા કપડાં સિવાય બીજું કંઈ એ લોકોને બંને પાસે નથી। આજે અમે ગણેશભાઈ બિરારી અને અમારા તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ ધર્મુભાઈ અને તામસરીના અમારા આગેવાન રણજીતભાઈ અને બીજા જે આ ગામના અગ્રણી અહીં આવીને આ લોકોને વહારે થયા છે। એ લોકોના માટે જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ કે જે કપડાં હોય, બંને માટેના બૂટ ચંપલ હોય કે પછી અત્યારે એમને ચોમાસાના સિઝનમાં એમને ખાવા માટે દરેક પ્રકારનું કઠોળથી માંડીને ચોખાથી માંડીને લોટથી માંડીને એમને ઓઢવા પાથરવાથી માંડીને એને દરેક વસ્તુ આજે એમને આપી, એનાથી આજે એ લોકોને પણ એક શાંતિ થઈ છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ એમનું જે ઘર છે એ તાત્કાલિક બનાવવા માટે સ્થાનિક આખી ટીમ તૈયાર છે। એટલે એ કુટુંબ હારે આજે બધા જ લોકો આવ્યા છે અને આજે આવા પરિસ્થિતિમાં જ્યારે લોકો મૂંઝાય ત્યારે અમારો તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પરિવાર આવી રીતે કાયમ મદદ કરે છે અને આવનારા દિવસોમાં આવું કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈ થાય, કુદરતી ઘટના બને તો માનવતાના નાતે અમારી ફરજમાં આવે કે અમારે એમના વહારે થવું અને એ જ માટે અમે અહીંયા આવ્યા અને એમના વહારે થયા, એમને આશ્વાસન આપ્યું છે અને એમને વહેલામાં વહેલી તકે એ લોકો સ્વસ્થ થાય અને એ લોકોનું સુખી જીવન જીવે
એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. મારું નામ રંજીતભાઈ દેવજીભાઈ વેજલ, હું તામછેડી ગામનો વતની છું અને એક કાર્યકર્તા છું. હવે ગઈકાલે વાવાઝોડો આવ્યો, એની વાવાઝોડાની અંદર જે સમય 5 વાગ્યાનો ગાળામાં જે વધારે પવન વધારે આવવાથી અને ઘેરમાં કંઈક ચૂલામાં એમ તો સળગ આગટી ઓલાવી રાખેલી, પરંતુ જરાખાન રહી ગયેલી હોય અને પવનના આધારે ઉડીને આખા ઘરની અંદર ચારો ભરેલો અનાજ હતો અને બધું સળગી ગયું. અને અમે બધા ગામના તાલુકા પંચાયતના સભ્ય ધર્મુભાઈ અને ચોંડીપાડાના ડબકે સાહેબ રમેશ અને બધા મને જાણ થતામાં અમે બધા આવી પણ ગયા અને ઓલાવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ સાહેબ એ 1 કિલોમીટર દૂર પાણી છે અને પાણી ઓલાવાનું એ કંઈ પાડી જ નથી, એટલા માટે અમારે તે કંઈ થયું જ નથી. પરંતુ નુકસાનમાં અનાજમાં 70 મણ કંઈ ભાત હતો અને 40 કિલો કંઈ નાગલી હતી, 40 મણ અને 10 મણ છે તો તુવેર હતી અને 8 છે તો 5 મણ. રોકડ રૂપિયા 11,000 રૂપિયા હતા. અહીંયા કોણ રહે છે? અહીંયા માધુભાઈ રાંથળ રહે છે. અત્યારે શું પરિસ્થિતિ? અત્યારે પરિસ્થિતિમાં બધું સળગી જવાથી એમને કંઈ પણ એક સાંજનું ખાવાનું નથી. પરંતુ અમારા ધરમપુર તાલુકાના ધારાસભ્યને જાણ કરતા, સાથે ગણેશ બિરારી અને એને જાણ કરતા, અહીં આજની તારીખમાં આનો 2-3 મહિનાનું આખું અનાજ પૂરું પાડ્યું છે ધારાસભ્યશ્રીએ અને કપડાંથી માંડીને તમામ વસ્તુ અહીંયા પહોંચાડી દીધી છે ધારાસભ્ય. અને આ સ્થળે જે સ્થળે જે આ ઘટના થઈ છે એ અંદર ધારાસભ્ય પહોંચી ગયા છે. અતુલ પાર નદી હાઈવે કે ડિવાઈડર પર સરિયા ભરે ટ્રેલર ચડ જાને કે કારણ ચાલક કો ચોટ આઈ. બારિશ કે બાદ પાર નદી કે પાસ સુબહ 5 બજે કે આસપાસ એક ટ્રેલર ચાલક ને સ્ટીયરિંગ સે નિયંત્રણ ખો દિયા ઓર ટ્રેલર ડિવાઈડર પર ચડ ગયા. ઘાયલ ટ્રેલર ચાલક કો ઇલાજ કે લિયે પાસ કે અસ્પતાલ મે લે જાયા ગયા. વલસાડ કે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર અક્સર દુર્ઘટનાએ હોતી રહેતી હૈ, ઇસલિયે સુબહ અમદાવાદ સે મુંબઈ જા રહે ટ્રેક પર એક ટ્રેલર જિસમે સરિયા ભરા હુઆ થા વહ મુંબઈ કી ઓર જા રહા થા. ઉસી દૌરાન અતુલ કે પાર નદી કે પાસ પહોંચતે હી સ્ટીયરિંગ સે નિયંત્રણ ખો બેઠા ઓર હાઈવે કે બીચ મે આઈ ડિવાઈડર પર ચડ ગયા ઓર દુર્ઘટના હો ગઈ. ઇસ દુર્ઘટના મે ચાલક કો સામાન્ય ચોટે આઈ ઓર દુર્ઘટના હોને સે હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ કે દ્રશ્ય ઉત્પન્ન હુએ. ઘટના હોને પર ગ્રામીણ પુલિસ ઓર હાઈવે પેટ્રોલિંગ કી વેન ઘટના સ્થળ પર પહોંચી ઓર વાહનો કો સાઇડ મે કરને કી કાર્યવાહી કી ગઈ ઓર વાહન વ્યવહાર સામાન્ય કરાયા ગયા. चाली के कमरे में कर्मचारी का चार्ज में रखा हुआ मोबाइल चुराने वाला व्यक्ति वडोदरा से पकड़ा गया. पारड़ी के बगवाड़ा में चाली में रहने वाले एक श्रमिक का चार्ज में लगा हुआ मोबाइल किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया, जिसे वडोदरा पश्चिम रेलवे LCB ने पकड़ा. जानकारी के अनुसार बगवाड़ा श्री हनुमान फलिया में रहने वाले आशीष सालाल प्रसाद ने 15 मई को अपना सैमसंग मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर वह काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन जब वे वापस आए तो मोबाइल नहीं मिला और दूसरे मोबाइल से फोन करने पर स्विच ऑफ बताया गया. इससे पता चला कि मोबाइल चोरी हो गया है. बाद में आशीष के दूसरे मोबाइल पर फोन किया गया कि वडोदरा पश्चिम रेलवे LCB शाखा कार्यालय से बोल रहे हैं और यह मोबाइल अमर उर्फ मंगल अर्जुन मुर्मुन जो बगवाड़ा पारड़ी में रहते हैं उन्होंने चोरी किया है और वडोदरा पश्चिम रेलवे LCB ने उसे पकड़ लिया. इस घटना के बारे में पारड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई. पारड़ी पुलिस ने मोबाइल चोर आरोपी को उठा लिया और आगे की जांच शुरू की. Thank you.
सिलवासा साइली साईं धाम में शिव कथा की पूर्णाहुति के साथ महाप्रसाद आयोजित किया गया। 10 मई से चल रही शिव कथा का सिलवासा के साइली साईं धाम में समापन हुआ। कथाकार संत श्री विजय बापू ने भगीरथ की तपस्या, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रोचक वर्णन किया। विजय बापू ने भक्तों को सदाचार और कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शिव कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर शिव कथा के आयोजक यजमान साईं सेवा समिति के अग्रणियों द्वारा कथाकार विजय बापू का सम्मान किया गया। विदाई लेते समय सांसद कलाबेन डेलकर ने भी कथाकार संत श्री विजय बापू का स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती के बाद शाम को महाप्रसाद परोसा गया। साइली और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों भक्तों ने भक्ति भाव से महाप्रसाद ग्रहण किया था। यह शिव कथा का आयोजन साईं मंदिर से पास में निर्माणाधीन शिव मंदिर के लाभार्थ किया गया था। आने वाली चैत्र श्री राम नवमी तक शिव मंदिर में अभिषेक की संभावना है। दानह के अंदरूनी इलाकों में सामान्य बारिश से ही सड़क की हालत खराब होते वाहन स्लिप हुए। कपराड़ा के कुछ गांवों के लोग जो काम पर जाने के लिए सड़क का उपयोग करते हैं वो वाहन चालक परेशान। पारड़ी के अरनाला गांव में 1.82 लाख रुपए के मूल्य का बिना बिल वाला खाद्यान्न एसओजी टीम ने जब्त किया। पुलिस ने महादेव एंटरप्राइज दुकान से गरीबों का 8 टन अनाज जब्त किया। धर्मपुर के तामचड़ी गांव में बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति का घर जल जाते विधायक मदद के लिए पहुंचे। विधायक अरविंद पटेल ने भोजन, कपड़े, बर्तन, मसाले जैसी चीजें दी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए नमन न्यूज़। नमस्कार।